हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। इस डिज़ाइन को हम पैच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और लेस बना के भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें सिंगल शटल से ईयर रिंग बनाना होगा। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी ये फाइव फ्लावर्स बने हुए 3 पेटल्स के, हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करते हुए और सेकेंड रिंग हम अपने जो हमने ये सिंगल शटल से रिंग बनाया उसके साथ अटैच करते हुए थर्ड रिंग बनाएंगे और फिर हम अपना ये सेमी सर्कल, देन हम ये वाली पेटल्स जो हम अपने पहले वाले फ्लावर से अटैच करेंगे और फिर बीच वाली रिंग जो कि हम बीच वाले गोले से अटैच करेंगे, देन अपनी थर्ड रिंग, और इस तरह से हम ये अपनी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन अभी मैंने इस तरह से बनाई है। इसको बनाने के लिए मैंने येलो और ब्लू कलर लिया है। ये देखिए, इस शटल पे मैंने येलो कलर भर लिया है और एक शटल पे मैंने ये ब्लू कलर भर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीव करते हुए बनाइए 2 डबल स्टिच। टू डबल स्टिच के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को अलग कर दीजिए। अब बनाइए पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, टू डबल स्टिच। ये पूरा रिंग 2 डबल स्टिच से बनेगा और टोटल 10 पिकॉट बनेंगे इसमें। ये देखिए, टोटल 10 डबल स्टिच हो गए हैं। लास्ट में मैंने 1 डबल स्टिच किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग 2 डबल स्टिच से किया था। इस तरह से ये हमारे 10 डबल स्टिच का एक छोटा सा रिंग बन गया है। अब इसे नॉट लगा के थ्रेड अलग कर लेते हैं। अब येलो और ब्लू शटल के धागे को आपस में टाई कर लीजिए। अब वीव करते हुए बनाइए 3 डबल स्टिच ब्लू कलर से। थ्री डबल स्टिच होने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच। स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, थ्रेड खींच दीजिए। ये हमारा पहला रिंग बन गया। फ्रेंड्स, ये पूरी डिज़ाइन हमारी 3 डबल स्टिच में बनेगी। जो बीच का हमने येलो कलर का रिंग बनाया है वो सिर्फ 2 डबल स्टिच का बनेगा। अब अपना सेकेंड रिंग बनाइए 3 डबल स्टिच। पिछले रिंग से अटैच कीजिए पिकॉट से।
थ्री डबल स्टिच, अपने इस रिंग से अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम इसमें बीड्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाइट कलर की बीड्स ले रही हूँ, कोई भी एक इसका पिकॉट ले लीजिए, मैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ। बीड्स डालिए और इसके साथ अटैच कर दीजिए। शटल पास कर दीजिए और अब बनाइए थ्री डबल स्टिच। पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, इसी तरह से अपना थर्ड रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और थ्री डबल स्टिच। ये हमारा थर्ड रिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से थ्री पेटल्स का हमारा ये छोटा फ्लावर बन गया। डिजाइन को फ्लिप कीजिए और वीव करते हुए बनाइए थ्री डबल स्टिच। अब हमें सेमी सर्कल बनाना है। बिल्कुल पास में ले जाते हुए थ्री डबल स्टिच हो गई है। अब हम थ्रेड को अलग कर देंगे। पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच। टोटल हमें नाइन पिकॉट्स बनाने हैं। ये देखिए टोटल नाइन पिकॉट का हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से अपना ये थ्री पेटल्स का ब्लू फ्लावर बनाना है। तो सबसे पहले बनाइए थ्री डबल स्टिच, पास में ले जाकर पिकॉट, थ्री डबल स्टिच। अब हमें पिछले वाले फ्लावर के इस पिकॉट से हमें इसको अटैच करना है। तो पहले मैं इसमें बीड्स डालूंगी। थ्री डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा
फ्लावर्स के साथ पहले वाले के साथ अटैच हो गया। अब फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच, पास में ले जाकर पिछले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, अब हमें इस वाली रिंग से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, एक में हमने अटैच किया है, एक पिकॉर्ड हम छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पिकॉर्ड में हम इसको अटैच करेंगे। एक पिकॉर्ड छोड़ के अगले पिकॉर्ड में हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले इसमें बीट्स डालिए, थ्री डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, थ्री डबल स्टिच। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। अब अपना थर्ड रिंग बनाइए। थ्री डबल स्टिच, पिछले पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉर्ड, थ्री डबल स्टिच, पिकॉर्ड, थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। सेकेंड फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से सेमी सर्कल बनाना है और इस तरह से हम अपने पूरे 5 फ्लावर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने इस डिज़ाइन में कंप्लीट किया था। लेकिन इस बार ये ध्यान रखिएगा, जब हम उसके क्लोज आ जाएंगे तो हम एक मोटिव को दूसरे मोटिव से इस तरह से अटैच करेंगे। ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के पिकॉर्ड से हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले आप 4 फ्लावर तक इसको कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट डिज़ाइन तक पहुंच गए हैं। ये लास्ट वाला हमारा जो फ्लावर है 5th नंबर का, ये 2 साइड से जुड़ेगा। एक इधर से हम जोड़ चुके हैं और दूसरा हम 1st फ्लावर के साथ भी इसको अटैच करेंगे। तो पहले बीट्स डाल देते हैं इसमें भी। ब्लू वाला थ्रेड मेरा खत्म भी हो गया है, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। थ्री डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए हमारा दोनों तरफ से जुड़ गया है। अब हमारा लास्ट सेमी सर्कल इस मोटिफ का बनेगा। पहले आप 4 पिकॉट तक इसे बना लीजिए, 3 डबल स्टिच और फिर 4 पिकॉट। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 हमारे पिकॉट की सेमी सर्कल हो गई है। अब 5th पिकॉट में हम इसको अटैच कर देंगे इसके साथ में। तो 4 इसके छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा 9 पिकॉट का है ये, तो इसलिए बीच वाले में हम इसको अटैच कर देते हैं। फिर से इसके 4 पिकॉट और बना लीजिए 3 डबल स्टिच के बीच में। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अब जहां से हमने अपनी स्टार्ट की थी डिजाइन, इस पॉइंट पे जहां से पहला सेमी सर्कल स्टार्ट किया था, वहीं पर इसको लाकर अटैच कर दीजिए।
नॉट लगा दीजिए और थ्रेड को अलग कर दीजिए। ये देखिए हमारी फ्रेंड्स ये लेस तैयार हो गई है। ये दो मोटिव्स अभी हमने आपस में अटैच कर दिए। इसी तरह से आपको जितनी लंबी ये लेस चाहिए उतनी लंबी आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे पैच की तरह यूज़ कर सकते हैं या लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।